वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आज की जो हमारी वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर क्लास नाइन्थ, जो हम 13 चैप्टर ऑलरेडी कर रहे थे। तो 13 चैप्टर की 13.3 एक्सरसाइज के पहले चार क्वेश्चन जो हम कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में, आगे हम करने जा रहे हैं फ्रॉम द फिफ्थ क्वेश्चन। तो चार ही क्वेश्चन बचे हैं, अब थोड़े थोड़े बड़े भी हैं क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो में वही चार या पांच जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वही कर पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फिफ्थ क्वेश्चन से। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक टार्पोलिन है जिसकी लेंथ पूछ रहे हैं भी कितने लंबा टार्पोलिन चाहिए हमें, जो कि 3 मीटर वाइड है। तो हमें ऑलरेडी एक ऐसे ना टार्पोलिन, क्या होता है, तरपाल बोलते हैं जिसको हम पंजाबी या हिंदी में, ठीक है। तो उसकी लेंथ नहीं हमें पता, इसको कैपिटल एल ले लेते हैं, इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। बट इसकी ब्रेथ पता है हमें, कैपिटल बी ले लेते हैं, 3 मीटर, ठीक है। इतने वाइड वाले में कितनी लेंथ ऑफ टार्पोलिन चाहिए हमें कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, ऑफ हाइट 8 मीटर। कॉनिकल टेंट की हाइट क्या है, एट मीटर, एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, ठीक है। ये है हमारी एच और ये है आर। तो क्योंकि हमने कॉनिकल टेंट बनाना है तो नीचे बेस की जरूरत नहीं होती, तो हमने जस्ट कर्व्ड पार्ट बनाना है उसका। तो जो इसका एरिया होगा वो कहां पे यूज हो रहा है, इसके कर्व्ड पार्ट पे यूज हो रहा है। तो दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट इट्स कर्व सरफेस एरिया, जिसके लिए हमें एल चाहिए होती है। तो एल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, हम ऑलरेडी जानते हैं वो, हम उससे एल निकाल देंगे, स्लैंट हाइट। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटीरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। के ये जो लेंथ है इसमें से कुछ पोर्शन हम मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर पोर्शन जो है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पोर्शन जो है वो मार्जिन या कटिंग वाले में निकल गया, इतना एरिया 20 सेंटीमीटर वाला ये निकल गया। तो बाकी कितना बचा, ये लेंथ हम ये जो एल है ना, ये यहां से यहां तक मान लेते हैं, उसमें बाद 20 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, ये लेंथ निकाल लेंगे, उसमें बाद में 20 सेंटीमीटर कितना है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम जिसको बोल रहे हैं। क्यों बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये तो बाद में ऐड कर ही सकते हैं, ये जो जितना एक्चुअल में यूज हुआ 3 मीटर बाय एल, ये पूरा यूज हो गया इसको बनाने में। तो जो इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का, वही एरिया होगा कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट, और मार्जिन बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो कटिंग में निकल ही जा रहे हैं। हमने इसमें यूज करना है पाई 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो इसमें हमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टार्पोलिन यूज्ड, ये हम बताएंगे यहां पे कि हम विदाउट मार्जिन वाली लेंथ देख रहे हैं, विदाउट मार्जिन, विदाउट एक्स्ट्रा मार्जिन वाली, एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में देखेंगे। विदाउट एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लेंथ क्या है, हम मान लेते हैं एल, जो के क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता, लेट कर दिया हमने एल, ठीक है, इज इक्वल टू एल, वैसे लेट कर रहे हैं ना, तो इसकी इक्वल टू कैपिटल एल ही लिखेंगे, ठीक। एंड एक्स्ट्रा मार्जिन हम लिख लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये सब चीजें मीटर में है तो सिर्फ एक मार्जिन सेंटीमीटर में क्यों, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इट विल बी 1/5 मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट अब उसकी बात करते हैं, हाइट ऑफ द, नहीं ब्रेथ और भी लिखनी है ना, ये तो हमें गिवन ही है 3 मीटर, ठीक है।
उसके बाद हमें दिया गया है हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट 8 मीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट वो दिया हुआ है हमें 6 मीटर, तो स्लैंट हाइट यहां से निकल आएगी 2√r² + h² बच्चे यहां पे माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना है माइनस नहीं प्लस होता है। r कितना है 6 और h कितना है 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करने पे बन रहा है √100, √100 होता है 10। सो आपकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। तो आ गया आपके पास जो आपको चाहिए था, दोनों के सरफेस एरिया, इसका एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, बिकॉज बेस तो नहीं यूज हो रहा है ना। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टार्पोलिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ टार्पोलिन क्या है एल इन टू वी इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल। तो यहां से एल की वैल्यू निकल आएगी, बी कितना है, बी दिया हुआ है 3 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14 दैट इज 314/100, आर लेना है हमने 6 और L है हमारा 10, तो ये सीधा सीधा इसके साथ कट रहा है और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। L इज इक्वल टू 314 × 6/10 और ये एक 3, ये जहां पे मल्टीपल में था नीचे आ गया 3 2s are, तो इसका अब करना है डबल, ठीक है, इट बिकम 628/10 और वी कैन से दैट 62.8। ये जो लेंथ आई है दैट इज इन मीटर्स और विदाउट एडिंग द मार्जिन्स, मार्जिन ऐड किए बिना, ठीक है, तो ये लेंथ आ गई हमारे पास विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मार्जिन ऐड करने पे एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन कितनी यूज की गई थी वो निकल आएगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन एल प्लस मार्जिन वाला भी जो है ना ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम एक ई सिंबल से डिनोट कर लेते हैं ताकि हमें लिखना वहां पे इजी हो जाए। लेंथ ऑफ द टार्पोलिन विदाउट मार्जिन प्लस मार्जिन ऐड करने पे क्या हो जाएगा ई। तो ये जो मार्जिन है 0.2 आएगा, इसको हम ऐसे सिंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था एल 62.8 थी और मार्जिन 0.2 था, तो ऐड करने पे बन गया ये 63 मीटर। तो यही पूछा था उन्होंने एक्चुअल लेंथ ऑफ द टार्पोलिन, यहां पे लेंथ लिखना भूल गया मैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन निकल आई हमारे पास कितनी 63 मीटर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि शायद डिफिकल्ट है, बट ये नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा समझ के करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा मार्जिन निकालना है या रखना है, कैसे निकाल रहे हैं, कैसे लेंथ निकालनी है, तो ये चीजें देखनी होती है। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस है इसलिए दोनों इकट्ठे करने वाला हूं मैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सर्फेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210/100m². तो बहुत ईजी है कि एक कॉनिकल टॉम है, टॉम क्या होता है जैसे एक किसी ने वैसे बनाया नहीं होता कोन की शेप में रहने के लिए जगह या कुछ ऐसा बनाया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसने बोला हुआ है इसके स्लांट हाइट 25 मीटर है और बेस डायामीटर कितना है 14। स्लांट हाइट दी हुई है हमें 25 मीटर और बेस डायामीटर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है डायामीटर दिया हुआ है कि रेडियस, इस बात का जरूर ध्यान देना है, ठीक है, ये इतना बताया हुआ है। और कॉस्ट की बात में बात करते हैं पहले, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि ये टॉम है तो नीचे से ये भी कवर्ड नहीं होता है, मतलब के बंद नहीं होता है, ऊपर ऊपर ही बस बनाने की जरूरत है, नीचे तो जमीन आ जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है
स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टोंग 25 मीटर, डायामीटर 14 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा यहां से, सेवन मीटर। रेडियस निकालने के बाद अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है तो 22/7 ही लेंगे, रेडियस 7 और ये आ जाएगा स्लैंट हाइट 25, 7 के साथ 7 का आंसर 25 इनटू 2, सो इट विल बी 550। तो ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर में ना एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम। अब उन्होंने कॉस्ट निकालने को भी बोला हुआ है, नाउ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर क्लॉथ, वी कैन से व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग की कितनी दी है कॉस्ट 210। अच्छा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग की क्या होगी 200/100, कटिंग करने पे ये बन जाएगा 2.1 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर क्या होगी 2.1 × 550, तो इजीली 55 को जस्ट 21 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 1155 रुपीज। तो इतनी कॉस्ट लगेगी इसको व्हाइट वॉश करने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 7th क्वेश्चन, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। अब जोकर कैप है हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता जोकर कैप ऐसे होती कोनिकल शेप में, ठीक है। इसकी स्लैंट हाइट नहीं, इसकी हाइट दी हुई है और क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है ना, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 24, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के स्लैंट हाइट निकाल लेनी है क्योंकि इसका भी कर्व्ड पार्ट पूछा हुआ है ना। तो इसका फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, एक कैप का आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है, ठीक है। जो भी उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा एक कैप का पाई आर एल के फॉर्मूला से, ठीक है। आफ्टर दैट वन कैप का एरिया आपने लिखना है, वन कैप एरिया ऑफ वन कैप कितना है जितना आपका ये आएगा, एंड एरिया ऑफ 10 कैप्स फिर आपने क्या करना है 10 × जो आपका एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इजी वाला है ये तो, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आपने उसको ध्यान से देखना है मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, इसे आपने खुद बाकी का करना है सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड बाय द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो 50 की 50 कोन्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 एंड उन्होंने रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू 1.02 लेने के लिए बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें पहले तो बैरिकेटेड क्या होता है कि जैसे बस स्टॉप के लिए वो जो ऑरेंज कैप्स वगैरह टाइप नहीं लगे होते, कोन्स की कोन्स लगी होती है, आपने देखा भी होगा रोड पे लगे होते हैं, तो ये कार्डबोर्ड से बनाए गए अभी, ठीक है, बस स्टॉप को दिखाने के लिए कि यहां बस इधर से आ जाए, वो बैरिकेड किया गया है, ठीक है, 50 कोन्स के साथ। तो ऐसी एक कोन हम बना रहे हैं जिसका हमें क्या दिया हुआ है, बेस डायामीटर 40 सेंटीमीटर
और हाइट दी हुई है 1 मीटर। तो 2.5 मीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। वैसे कॉस्ट किस में दी हुई है, कॉस्ट इज इन ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या है कि 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो डायमीटर लिखते पहले, डायमीटर ऑफ कोन 40 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करने की बजाय रेडियस को कीजिए, है ना। ₹0.2 मीटर 100 के साथ डिवाइड करने पे, ठीक है। इसकी हाइट क्या बताई गई है, तो आगे इसकी स्लैंट हाइट कितनी बताई है कोन की, वो हमने निकालनी है। h² + r² h कितना है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर करेंगे इसका, फिर आगे फर्दर करना है स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर होता है 1, 0.2 का जाएगा 0.04, ऐड करने पे बन जाएगा 1.04 का स्क्वायर रूट करना है। ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है 0.14 का स्क्वायर रूट क्या लेना है, 1.04 का स्क्वायर रूट क्या लेना है 1.02 मीटर। सो स्लैंट हाइट इतनी आ गई 1.02 मीटर। आफ्टर दैट इसका हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि कोण नीचे से ये भी खाली है, ठीक है, आपने देखी भी होगी शायद। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, क्यों वैसे भी उन्होंने कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है ना, पेंट करने को बोला है, यस। तो फिर कर्व सरफेस एरिया की ही जरूरत है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 लेने के लिए, तो इट विल बी 314/100 इंटू रेडियस दिया हुआ है हमें 0.2, दैट इज 2/10, और ये है हमारे पास 102/100 अगेन। तो देखिए ध्यान से, कोई भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों को आपस में लेकर मल्टीप्लाई करके 1, 2, 3, 4, 5 पांच पॉइंट्स पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई, हम 314 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 628, तो यही बन जाता है 628 को हमने 102 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 2 16, 4 5 6 2 12, 0 0 0 8 2 6, ऐड करने पे 6 5 8 + 2 10, सॉरी 2 3 4 6 4 0 6 4 0 5 6 लिखते सीधा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने में इतना ही आ रहा ना, ठीक है। तो इट विल बी 6 4 0 5 6, चेक कर ले एक बार, तो 16 2 5 6 2 12, ओके। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट छोड़ने थे, 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ही पॉइंट्स हैं, तो इधर ऐसे लग जाएगा ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब हमने ऐसी कितनी कोन्स के लिए निकालना है, ठीक है, दैट इज फॉर द 50 कोन्स, ठीक है, और फर्दर ₹12 पर मीटर स्क्वायर उसकी जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, ठीक है ना। तो हमने 50 कोन्स के लिए निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स विल बी 50 × 0.64056, ठीक है, मीटर स्क्वायर में होगा। जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5, यही जो चीज आई है, ठीक है। फाइव फाइव 25,
320280 और एक और जीरो आएगा 320280 एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच यहां पे आएगा, ठीक है। पीछे वाली जीरो हट जाती हैं, तो आप क्या 320.28 मीटर स्क्वायर 50 कोन्स का एरिया। अब इसको पेंट भी करना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी बताई थी उन्होंने, ₹12। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना जो हमें दिया गया है, जो हमने निकाला है 32, एक मिनट मैंने कहीं पॉइंट गलत तो नहीं लगा दिया, पीछे दो जीरोस थे ना, हाँ पॉइंट यहाँ पे आता 32.028, पीछे दो जीरोस थे, पांच पॉइंट के बाद लगाना था, यहाँ पे पॉइंट आना है, तो इट विल बी 32.028 मीटर स्क्वायर को अगर निकालना हो 12 × 32.028 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नियर अबाउट ₹384 वी कैन से। तो चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा वाकई में ये आंसर आ रहा है, तो यह है 13.3 एक्सरसाइज का ना, हाँ 384 पॉइंट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया, पैसे तो डबल डिजिट होता है, तो 34 पैसा निकाल दिया, और उन्होंने कहा यस लाइक दिस 384.36 का जो पीछे एक इंक्रीज कर दिया 34 पैसे बन गए ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर उन्होंने निकाला हुआ है पीछे। तो ये है हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसी के साथ आज की वीडियो और आज की एक्सरसाइज 13.3 भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी होगा नेक्स्ट जो हमारी फिगर है उसके रिलेटेड, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझ कर सकें, उनके फॉर्मूला जो अच्छी तरह से समझ सकें कैसे लग रहे हैं, तो इजीली आपको सभी मैथ्स का सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, मेरी वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।